आगे तो नहीं पीछे तो जरूर बचाना है। हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। दिस इज शुभम गर्ग एंड यू आर वाचिंग लाइफ इन शॉर्ट। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। और अगर आप अच्छे नहीं है तो आप अच्छे हो जाओगे, क्योंकि आप जुड़ चुके हो मेरे साथ। गाइस, आज हूँ मैं हरिद्वार में। ये टाइम हो रहा है 6:15 हो रहे हैं, और जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है गंगा आरती का। गाइस ये चेक करें आप, हरिद्वार मतलब बहुत लोगों का आना, हरिद्वार मतलब बहुत लोगों का जुड़ना, हरिद्वार मतलब बहुत लोगों की श्रद्धा होना, हरिद्वार मतलब बहुत लोगों का मन में विश्वास होना, हरिद्वार मतलब जिंदगी, हरिद्वार मतलब सांस, हरिद्वार मतलब प्राण, हरिद्वार मतलब सब कुछ। अगर हम लोग कुछ अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं तो बहुत दूर है उस शक्ति से, उस शांति से, उस प्यार से हम लोग बहुत दूर है। अगर हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, जीना है, कुछ करना है, तो काम करना ज़रूरी है, लेकिन काम के बीच में एक ब्रेक लेके अपने हिंदू संस्कृति के पास जाना और उसके साथ में माथा टेकना वो बहुत ज़रूरी है। मैं तो बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को कहीं ना कहीं कि मैं हरिद्वार की इस नगरी में रहता हूँ। मेरा यहाँ पे 6 से 7 बार आना हुआ है, लेकिन हर एक बार नया एक्सपीरियंस होता है, हर एक बार नया अपने आप को महसूस करता हूँ, हर एक बार एक ऐसी शांति का फील महसूस करता हूँ कि सच में ऐसा होता है कि हाँ मैं पहली बार आया हूँ। और माँ गंगे का आशीर्वाद लेने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। अब मेरे दोस्त जो लोग हैं वो आज हरिद्वार घूमने के लिए आए थे, तो मेरे को भी उन्होंने फ़ोन किया कि भाई हम लोग भी आ रहे हैं, तो दोस्तों के लिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बन जाती है कि वो लोग आ रहे हैं तो मैं भी उनको अपना टाइम दूं। तो बस उसी के साथ में हम लोगों के साथ वो लोग सब साथ में हैं, और मैं इस टाइम 7 बजने वाले हैं और गंगा आरती तैयार चालू होने वाली है, मतलब शुरू होने वाली है। और गंगा मैया की आरती मतलब लोग जो आज यहाँ पे हैं, जितने भी जैसे भी जिस तरीके से आ रहे हैं, वो सब लोग गंगा मैया की आरती के लिए, मतलब हरिद्वार तुम लोग आए तो 7 बजे के करीब गंगा मैया की आरती नहीं देखा तो तुम क्या हरिद्वार आए। तो इस व्लॉग में तुम लोगों के लिए स्पेशली गंगा मैया की आरती होगी। लोग इतने आए हुए हैं, इतने आए हुए हैं कि गिनना मुश्किल है, और ना ही हम गिन सकते हैं, ना ही हम इतने अवेलेबल हैं, क्योंकि गंगा मैया के साथ एक शक्ति, एक लगाव का भाव सबका है। तो बस अब थोड़ी टाइम में गंगा मैया की आरती स्टार्ट होगी, और मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से सुप्रसिद्ध मतलब वर्ल्ड फेमस गंगा मैया की आरती कैसे, किस तरीके से होती है, कहाँ किस तरीके से, कितने लोग हैं, किस तरीके से वहाँ पे पूजा अर्चना होती है, मैं तुम लोगों को सब कुछ दिखाता हूँ। मैंने इतना ज़्यादा तादाद में इंसान आज तक नहीं देखा, इतने लोग यहाँ पे है ना, इतने लोग मैंने आज तक कभी नहीं देखे। लोग आरती ले रहे हैं, शाम का टाइम इंजॉय कर रहे हैं, और ये टाइम 7:11 है, उसके बाद भी देखो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है। और व्लॉगिंग का सबसे टफ गेम ये होता है, तुम लोग इतनी ज़्यादा भीड़ में हो और तुम अगर कैमरा के सामने बात करने लग जाओ तो भीड़ एकदम से स्ट्रक करके तुम्हें ही देखने लग जाती है। तो उसके बाद भी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि तुम लोगों को सब बता पाऊँ। जो गंगा आरती का टाइम एग्जैक्ट है वो 7 बजे है, लेकिन अगर तुम लोगों को जैसे आना है एंट्री करना है तो 6 बजे तक तुम लोग अंदर एंट्री कर लेने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बैरिकेडिंग हो जाती है, और उस चीज़ से कोई ना ही कोई अंदर आता है, नहीं कोई बाहर जाता है। तो मैंने भाई कुनाल है
बैक कैमरा खोल के दिखाया कितनी भीड़ में ब्लॉगिंग कर रहा था। हाँ यार, जिंदा को पता चलना चाहिए भाई कितनी भीड़ में ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कितनी भीड़। फोन भी भाई, नहीं फोन तो नहीं छीनेगा यार, अगर छीनेगा भाई खोपड़ी छीनने का डर रहेगा चोर को भी भाई, इतनी भीड़ है, अगर एक चुटकी भी लगाएगा ना कोई तो। अतरंगी लोग होते हैं ना, उनको लोग जरूर देखते हैं। तो वो अतरंगी वालों में से ही आ रहे हैं हम लोग। फोटो तो सच में भाई पता है, मतलब मैं नहा के, मैं मुंह भी नहीं धो के आया, ऑफिस से जस्ट निकल के आया, लेकिन फिर भी व्लॉग कर रहा हूँ, लेकिन ये इतना स्मार्ट लग रहा है ना, इससे मिलवाता हूँ तुम लोगों को। वो सच में दो बार ना लिया, आज बाहर ना के भी ना व्लॉगिंग में आना नहीं चाह रहा। मेरे को उसने बोला था कि भाई तू कैमरा, हाँ छठी बार ये ना रहा है और अब पहली बार मेरा नाना है, क्योंकि ना गंगा मैया आए और ना आए ना तो बात ही अलग है। अब ये इन लोगों ये भैया अपने नितिन भैया ना भैया, हाँ जी हाँ, तो इन्होंने तो पहली बार गंगा आरती देखी है, तो कैसे लगा भैया? मजा आ गया ना। अब गंगा मैया के द्वार आए तो नहाए बिना काम ना चले, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो अब नहाने के टाइम पे जा रहा हूँ। तुम कितनी भी दूर से आओ, कितने भी थके आ रहे आओ, लेकिन एक बार गंगा मैया से एक डुबकी लगाओ, तुम्हें ऐसा फील होगा कि बस तुमने कुछ नहीं किया, तुम इतने हारे थके हुए भी नहीं हो, तुम्हें मतलब बहुत अच्छा फील होगा। अब गंगा मैया की हमने डुबकी लगा के हम बाहर निकल चुके हैं और कुछ ऐसा नज़ारा है, अभी भी भीड़ कम नहीं हुई है और रात को भी ऐसी रहने वाली है। बहुत लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं और ये फीलिंग कुछ अलग है। इस टाइम है कहाँ पे, मतलब हर की पौड़ी का, हर की पौड़ी का एकमात्र वो जो झुंझुने वाला मार्केट है, वो वाले पार्किंग के साइड में, पार्किंग के जस्ट साइड में, और मतलब तुम हमारे पास ऑप्शन ही ऑप्शन है लेने के लिए, एक सिंगल बैग से लेके मंगलसूत्र चूड़ी लेने के लिए नहीं, देने के लिए, पैसे देने के लिए खर्च करने के लिए, मतलब खर्च करने वाला पूरा सेटअप है। और कुछ लोग भी हैं जो बस अपना चश्मा लगावेंगे, फोटो फाटो खिंचवावेंगे, लेंगे कुछ नहीं, कुछ नहीं लेंगे, वो दुकानदार, वो भैया भी समझ गए दुकान वाले, वो रेबिन का ढूंढ रहा था, उसको रेबिन चाहिए भी, रेबिन का था इसको, रेसिन मिला उसको, रेसिन। तो भाई मतलब सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, सब कुछ नहाने धोने के बाद में, तुम साज श्रृंगार चोटी कड़ी बंदूक और खिलौने ले सकते हो जो तुम्हारे पास ऑप्शन है, डिबली चूड़ी पत्ते, श्रद्धा की मार्केट है, जो भी तुम्हारे पास जो भी जैसे तुम ले सकते हो वैसे लो, दिल खोल कर पैसे खर्च करो, दिल खोल के पैसे करो, जेब दिल क्या जेब खोल के पैसे खर्च करो, तगड़े पैसे खर्च करो, ये प्रसाद ही प्रसाद है। गाड़ी तक जाना भारी हो रहा है भाई, और यहाँ पर मेरी बाइक तो उधर है, उधर देखते ट्राई करें एक बार, इसमें भी लोकल जेन्युइन हर तरह के मिलेंगे आपको, सारे के सारे, मतलब मिट्टी का कौन सी बनी हुई गाय है, और इसे पकड़ना कैसे, पंडित आदमी तो भाई वो है और शंख हम बजा रहे हैं, हाँ ये हमने बजाए, कौन बजाए, कोई कौन बजाएगा, भाई लोगों के कान फोड़ दिए, ट्राई करके देख तू बजेगा नहीं बजेगा, ट्राई कर रहे हैं कैसे कैसे लोग बजेगा नहीं, नॉलेज कहाँ कहाँ फंसाना है, हाथ हाथ तो ऐसे पकड़े ठीक है, और इसको ओपन ही रखो भाई, मतलब पूरे मुँह में लेकर मारूंगा फिर, फूक मारनी है, अरे फूक नहीं मारनी, हल्की सी फूक मारे, होंठ को चिपका ले और हल्की हल्की फूक मार, लेके चल दूंगा इसे घर में सीख लेंगे, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया, पंडित आदमी, पंडित आदमी, हां यही तो मजा है भाई, अभी कह रहा था अभी ब्लॉग में, मैं अभी कह रहा था कि पंडित आदमी तो पहले हो जाएगा 36 साल, भाई मजा तो होगा, भाई संग में मजा तो होगा, भाई संग में भी फर्क रहता है, मतलब कौन सा वाला संख्या था जो तुम्हें मजा आता, अरे देख बजा तो लंबे तक
चल बजा के तो देखा ये कैसा पड़ रहा है। अरे ट्राई तो नहीं ट्राई कर रहा अबे यार यो कोई बात नहीं आजकल छटियों बजाओ कभी तो बजाओ धीरे धीरे मार पूरी जान दे एकदम फूकनी मारनी बहुत आगे तो नहीं पीछे तो जरूर बचाना है ऐसे करता रहा तो दुकान वाले भैया फेंकने वाले हैं जहाँ से दूर नहीं मैं साड़ो भाई का किस टाइम वेस्ट कर चप्पल में चाबी निकाल कीड़ा आ गया भाई है भैया ये इसका देख रहे कितना प्यारा लग रहा है मूर्ति देख कितनी प्यारी लग रही है सब कुछ प्यारा ही प्यारा है यहाँ तुम आराम से मस्त मतलब पैसा तुम्हारे पास होना चाहिए कंगाल नहीं होने चाहिए यहाँ ऐसे देख फटीचर वाली हालत पैसा यहाँ चाहिए ऐसी फटीचर वाली हालत नहीं चाहिए नहीं ये ये संकेत है तू आया था यहाँ पे अच्छी जींस में और ये देख चलते चलते फट गए भाई पैंट फट रही है लोगों के चक्कर लोगों के चप्पलों में आ रहे हैं भाई कच्चे में आ गए अच्छी खासी जींस आई थी मंदिर में सिर्फ रखते हैं बल्कि पंडित तो बहुत लंबे लंबे रखते हैं क्या हुआ कोई मंदिर में जाना चाहिए ध्यान करना है कोई घर के मंदिर में क्या नहीं रखते अच्छा क्या नहीं रखते करके नहीं पूछ रहा हूँ कि रखते हैं घर के मंदिर में क्या शिवलिंग टाइम आ गए हैं पार्किंग लॉट में और अभी एक कंफ्यूजन ये है कि मैंने जो बाइक खड़ी की थी वो हर की पौड़ी वाली पार्किंग लॉट में खड़ी की थी और ये वाली जो पार्किंग है ये कार वाली पार्किंग है और अभी मेरे को भी कंफ्यूजन हो रहा है लोग बता तो रहे हैं कि उधर से भी रास्ता है लेकिन अभी मैं भी कंफ्यूज हूँ कि कैसे मेरे को लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि ज़्यादा थकना पड़ेगा मुझे लेकिन फिर भी उम्मीद है तो जग है तो शुभम है तो लाइफ इन शॉर्ट है वो लाइफ इन शॉर्ट वो तुम हो तो मतलब कंफ्यूज बसों में भर भर के लोग आए हुए हैं अंदर बाहर सब जगह भीड़ ही भीड़ क्या लेगा शिलाजीत है क्या शिलाजीत यार हरिद्वार मगर शिलाजीत पता कर रहे हैं ये लोग असली लोग पूरी बसे ऊपर तक लोग जा रहे हैं देखो ऊपर तक लोग बैठे हुए तारीख क्या है आज 14 अप्रैल गाड़ी भी पूरे 15-20 मिनट में मिली है इतनी ज्यादा भीड़ थी तुम लोग पार्किंग का तो पहले ही सेट करके आओ कि भाई बाहर ही लगानी अगर तुम बाइक आ रहे हो तो हरिद्वार के बाहर ये पार्किंग लॉट है तो इसमें ही तुम लगा दो तो ज़्यादा बढ़िया और सही रहेगा वरना हम लोगों को तो अपनी कार देखने में इतना टाइम हो गया कि हाँ पता नहीं कब तक आएगी रात का स्टे यहाँ पे रहा नवीन के यहाँ पे और बाकी तुम लोगों को व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को और चैनल पे अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बाय।